तो आज अपनी जो मैराथन क्लास है वो सेकेंड ईयर वालों के विद्यार्थियों के लिए है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसके अंदर हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधा सा टॉपिक पे बढ़ते हैं और आपको जैसा कि यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी आपके पास या काफ़ी जनों के पास मटेरियल हो जाए उपलब्ध, संसाधनों से मतलब नहीं जब तक कि उसे अपने मन से उसको पढ़ने की साहत पैदा ना हो जाए। तो यहाँ पर यही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता क्योंकि उड़ने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है, यानी हौसलों की उड़ान भरनी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये अपनी हौसलों की उड़ान है और इसी को हम शुरू कर रहे हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और जो भी अपने डियर विद्यार्थी हैं वह फटाफट से ज्वाइन हो जाए, इसको शेयर करें क्योंकि हम फटाफट से इसको शुरू करने वाले हैं। सिद्धांत क्या है प्लेटो के अनुसार, न्याय सिद्धांत क्या है ये बताइए, ठीक है? या इसके अनुसार प्लेटो के साम्यवादी विचार, प्लेटो के साम्यवादी जो सिद्धांत है इसके बारे में बताइए। तो मोटे तौर पर यह है। और एक और सिद्धांत है प्लेटो के अनुसार, यानी प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा संबंधी विचार। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको चार टॉपिक जो बताया ना, इनमें से ही 100% आपके प्रश्न आएगा, इसमें से ही 100% आपके प्रश्न आएगा। तो ये चारों जो चीजें हैं वो मैं अभी हाथों हाथ क्लियर करवाने वाला हूँ। बिल्कुल 60 बने हैं तो सेकंड ईयर में भी आपसे ही पढ़ूंगा। थैंक यू डियर, आपके अच्छा रिजल्ट बने इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अब की बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए, आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। सर बी ए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट परीक्षा के कितने दिन बाद आता है? 2 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने लगते हैं डियर। तो बिल्कुल आप सभी ने अपने मित्रों को शेयर कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं, चारों में से आपके 100% एग्जाम में आने वाला है उसमें से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेटो के सबसे इम्पोर्टेंट जो है विचार, न्याय संबंधी विचार को शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पहला अपना जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और जल्दी से ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर प्रश्न काफ़ी बार आता है तो इसको हम पढ़ेंगे पूरी तरह से ताकि आपका एक भी जो क्वेश्चन है वो मतलब जो आंसर है वो दिमाग से आउट ना हो पाए, इस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि प्लेटो का जो ये जो खुद का जो जीवन है या प्लेटो का जो ये जो जीवन काल है वो ईसा से पहले का है, तो इस तरह से ईसा पूर्व इनको काउंट किया जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ बीएसटी जी की भी हो जाएगी डियर, बिल्कुल निसंकोच रहिए। हाँ काजल कह रहे कि सर बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं, सबसे पहले प्लेटो की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह है रिपब्लिक। क्या है? रिपब्लिक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी है द लॉज या लॉ कहते हैं, ठीक है ना, लॉज कहते हैं ये, क्योंकि एक दो पुस्तक है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्या पता आपको कौन सी पुस्तक कभी पूछी जाए, तो इसलिए इन दो पुस्तकों को आपको नाम अच्छे से याद रखना है। और एक और पुस्तक है जिसको मैं आपको बता दूं, द स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो प्लेटो की ये तीन फेमस पुस्तक है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो रिपब्लिक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटो की कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक पुस्तक है, ठीक है? तो बिल्कुल नोट्स हैं, फिलहाल क्लास है, जो क्लास के दरमियान आपको बता दिया जाएंगे और वो नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तीन पुस्तक है तो इसमें से कोई पुस्तक आया तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लेटो की जो ये पुस्तक है रिपब्लिक, ये पूरी तरह से राजनीतिक विचार पर नहीं गढ़ी गई है, इसके अंतर्गत तो राजनीतिक सामाजिक और न्याय संबंधी विचार है वो है। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो पूरी तरह से राजनीति पर लिखी गई विशेष पुस्तक न होकर ये सामान्य पुस्तक कहला सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में अगर पूछा जाए तो, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लेकर। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को बहुत अच्छे से आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, इसने दो तरह से या दो बातों में बाटा है जिसको हम यहाँ पे क्लियरली आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो प्लेटो का है परंपरागत सिद्धांत और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेटो के अलग अलग सिद्धांत की। जब हम बात करें तो प्लेटो के ये सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण रूप में अभिव्यक्त होते हैं हमारे सामने और काफी बार इससे संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का महत्वपूर्ण विचारों के विद्वानों के विचारों के खंडन के आधार पर किया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत संबंधी धारणा को समझते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत
संबंधी धारणा। ठीक है, बड़ा प्रश्न 15 नंबर का आया था, उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट जो भी आ रहा है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत को जो बताया है उस अकॉर्डिंग, पहले प्लेटो की न्याय सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत को समझ रहे हैं, परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो ने अपने परंपरागत मेगा स्टार यूट्यूबर नमस्ते डियर उथी डेम्स सर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न भेजना। हाँ बिल्कुल भेज देंगे, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं यहाँ पर परंपरागत सिद्धांत। तो प्लेटो ने एक्चुअली क्या किया है, प्लेटो ने उस समय के जो परंपरागत न्याय से जुड़े जो विचारक थे उनके विचारों का प्लेटो ने खंडन कर उन विचारों के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो प्लेटो के न्याय के संबंध में तीन अलग अलग धारणा है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर समझिए। और खुद इसकी प्लेटो की जो विचार की धारणा, यानी पूरा बड़ा प्रश्न आ रहा है, तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है, प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत को हम समझेंगे। तो इस परंपरागत सिद्धांत में आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ने पॉलीमेकर्स, ध्यान रखिएगा सिपालस और उसके जो पुत्र थे पॉलीमेकर्स, इनके विचारों का खंडन करते हुए इस विचार को समझा है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पे दो विद्वानों के नाम बता रहा हूँ तो उसको नोट कर लीजिएगा, एक तो सिपालस, और सिपालस का ही पुत्र है, और इसको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पॉलीमॉर्कस। ठीक है, अब देखो इन दोनों विद्वानों ने क्या कहा और प्लेटो ने क्या कहा, तो वो समझना है कि इन्होंने कहा कि सत्य बोलना, ठीक है ना, सत्य बोलना, दूसरों के ऋण को सुकाना ही न्याय है। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने कि सत्य बोलना एवं ऋण सुकाना ही न्याय है, ये इन्होंने कहा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर ऐसा आ जाए, प्लेटो के दो नंबर का प्रश्न आ जाएगा, प्लेटो को अगर न्याय सिद्धांत को समझाइए, सिर्फ अगर दो नंबर में ये प्रश्न आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखना है प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके दो रूप हैं, ठीक है ना, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय, और प्लेटो ने अपने न्याय को कानूनी नहीं नैतिक रूप में समझा है, और प्लेटो के अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यानी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह शॉर्ट में कहलाता प्लेटो का न्याय। समझ में आ गया, मैं आपको यहाँ पे बड़ा बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग 15 नंबर का अगर आ गया प्रश्न तो फिर आप कैसे करेंगे। शॉर्ट में तो आप लिख सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय को नैतिक रूप में समझा है, ठीक है ना, न कि कानून रूप में, और प्लेटो के जो न्याय संबंधी जो विचार है वह इनके महत्वपूर्ण रूप में सद्गुण को अभिव्यक्त करते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय एक सद्गुण है जो व्यक्तियों को अपने खुद के कार्य को करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो ये तो आप दो नंबर में प्रश्न में उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन बड़े प्रश्न के लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूं। बीएसटीसी में कितने नंबर लाए तो कॉलेज, देखो 400+ नंबर लाते हैं तो कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो देखिए, अब सिपालस और पॉलीमॉकस ने क्या कहा कि सत्य बोलना और ऋण सुकाना न्याय है। तो प्लेटो ने इन पिता पुत्र के विचारों का खंडन किया और प्लेटो ने कहा कि सत्य बोलना कभी न्याय नहीं होता है, सत्य बोलना कभी न्याय नहीं होता है। बेस्ट क्लास, थैंक यू केपी। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए सत्य बोलना न्याय है, अगर एक दुश्मन मतलब मान लीजिए ये एक कोई व्यक्ति है और इसको ये सेना का एक व्यक्ति है, ठीक है ना, या मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति है, अब उसको अगर किसी दुश्मन सेना ने पकड़ लिया, तो अगर दुश्मन सेना ने कहा कि तुम्हारे परमाणु हथियार कहाँ रखे हुए, तो भारत का जो व्यक्ति है वो सत्य बोलेगा। अगर पॉलीमॉकर्स कह रहा है कि सत्य बोलना न्याय है, तो अगर उस बंदे ने सत्य बोल दिया और दुश्मन सेना को अपने खुद के गुप्त जानकारी बता दी तो ये न्याय नहीं होगा। प्लेटो ने इस अकॉर्डिंग कहा है कि सत्य बोलना न्याय नहीं होता कुछ कंडीशन में है, लेकिन इस तरह से अगर सत्य बोला जाए तो वो न्याय नहीं, क्योंकि इस तरह से आप एक सत्य बोलोगे लेकिन पूरी उस देश की जनता के लिए दगा हो जाएगा, धोखा हो सकता है। और ऋण सुकाना न्याय कैसे होगा, एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि मैंने किसी से एक बंदूक ली थी उधार में, ठीक है, अब जब मुझे काम खत्म हो गया तो मैंने वो बंदूक है वो एक ऋण के रूप में ली थी और मैंने सोचा उस बंदूक उस व्यक्ति को दे दूं जिससे मैंने ली थी, लेकिन मैं जब देने जा रहा था तो मुझे पता लगा कि वो व्यक्ति जिससे मैंने बंदूक लाई थी, ठीक है ना, वो पागल हो गया। अब अगर वो पागल है और उसको मैं पुराना ऋण यानी बंदूक दे जाऊं तो क्या ये सही होगा,
ये न्याय कहलाएगा कि मैं उसको अपना ऋण चुकाऊं। अगर पागल को वो बंदूक दे दी जाए तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो प्लेटो कहता है परंपरागत सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना पर्याप्त रूप में न्याय नहीं कहलाता है। तो यहां तक तो इसने बिल्कुल अच्छी क्लास है, तो सभी शेयर कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि प्लेटो का परंपरागत सिद्धांत में मैंने आपको ये बताया सिपोलस और पॉलीमोकर्स के विचारों का खंडन कर रहा है प्लेटो। इस अकॉर्डिंग फिर इसके दूसरे जो विचारों की जब बात करूं तो दूसरों में ध्यान दीजिए क्रांतिकारी सिद्धांत, दूसरा प्लेटो ने न्याय के अंतर्गत दिया क्रांतिकारी सिद्धांत। देखो क्रांतिकारी सिद्धांत के अंदर भी प्लेटो ने एक विद्वान जिसका मैं यहाँ पे नाम मेंशन करूंगा थ्रेशीमेकस, समझिएगा थ्रेशीमेकस, ठीक है ना। जिस तरह से इनको मैंने समझाया वैसे ही यहां पर भी समझाने वाला हूं। तो क्रांतिकारी सिद्धांत में प्लेटो ने थ्रेमिकस के विचारों का खंडन कर न्याय के बारे में अपने विस्तार प्रस्तुत किए। थ्रेमिकस ने कहा कि शक्ति ही सत्य है, थ्रेमिकस ने क्या कहा कि शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है और शक्ति के बल पर न्याय प्राप्त हो सकता है, यानी शक्तिशाली का हित ही, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, शक्तिशाली का हित यानी जो शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति है या शक्तिशाली मजबूत व्यक्ति है, ठीक है, तो शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय, साधन ही न्याय है। अब देखिए ये बात किसने कही, थ्रेमिमेकस ने कही। तो इस विचार को प्लेटो ने क्रांतिकारी सिद्धांत के तहत इसकी समीक्षा की और अपने विचार में बताया। देखो थ्रेमिमेकस ने कहा कि शक्ति ही सत्य है, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर कोई शक्तिशाली हो जाए तो क्या वो सत्य कहलाता है। मान लीजिए रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो घमंडी हो गया। अब अगर रावण शक्तिशाली है और घमंडी हो गया तो क्या अब वो न्याय करेगा। अगर वो न्याय करता है तो राम जी आकर उसका सर्वनाश नहीं करते, क्योंकि शक्ति होना कहीं ना कहीं वो न्याय से हट जाता है। यहाँ पर ये कहा है कि शक्तिशाली जो होते हैं वो दूसरों का शोषण करते हैं, जो शक्तिशाली कहें वो हमेशा सत्य नहीं होता है, तो इसलिए शक्ति है वो शोषण का काम भी करती है। तो थ्रेमिमेकस के विचारों का प्लेटो ने कहा कि शक्ति कुछ जगह सही हो सकती है लेकिन हर जगह शक्तिशाली और शक्तिशाली व्यक्ति है वो जिस साधन का उपयोग करते हैं उसके द्वारा न्याय स्थापित नहीं होता है, न्याय स्थापित नहीं होता है। फटाफट से नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा सिद्धांत कार्यकरण सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा सिद्धांत जो कार्यकरण सिद्धांत है वो इसके अंदर समझिए कार्यकरण सिद्धांत, ठीक है। यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है बड़ा, उसमें आपको तीन मोटे मोटे ये सिद्धांत समझाने हैं। और इसके अंतर्गत यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो ने विद्वान ग्लाउकन जो विद्वान है इनके विचारों का खंडन करते हुए अपने विचारों को समझाया। तो इसने क्या कि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उसे यानी न्याय का पालन नहीं करना है तो उसे दंड देना चाहिए। क्या देना चाहिए, दंड, यानी न्याय भय का शिशु है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि न्याय भय का शिशु है, मतलब ग्लाउकन कहता है कि न्याय स्थापित करने के लिए लोगों में डर बैठाना चाहिए। क्या बैठाना चाहिए, डर, यानी एक राजा को राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की पालना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लाउकन कहता है कि न्याय तभी स्थापित होगा जब लोगों में डर होगा। लेकिन इस जगह प्लेटो कहता है कि न्याय है वो डर की वजह से स्थापित नहीं होता है। लोग राज्य के कानूनों को डर की वजह से नहीं मानते, लोगों को लगता है कि भाई राज्य के कानून अपने खुद के हित के लिए, तो लोग अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से कानूनों का पालन करते हैं और न्याय स्थापित होता है। तो न्याय कभी डर की वजह से स्थापित नहीं होता है, न्याय लोगों की इच्छा और स्वीकृति के अकॉर्डिंग स्थापित होता है। तो न्याय डर की वजह से न होकर लोगों की सहमति और लोगों की स्वीकृति के अकॉर्डिंग न्याय स्थापित हो पाता है। तो इस तरह से प्लेटो ने इन पुराने तीन विचारों का खंडन करते हुए अपने संबंध में न्याय की विवेचना की और लास्ट में जाकर प्लेटो ने अपने सिद्धांत को गढ़ा। यहां तक तो इसने दूसरे विचारों को खंडन करते हुए अपने विचारों को प्रेजेंट किया, लेकिन लास्ट में प्लेटो ने फिर मूल रूप में कहा कि भाई न्याय
क्या है तो वो समझिए। लास्ट में प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत, इसके बाद ठीक है ना, वो मैं थोड़ा ऊपर लिखवा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे देखिए, और बड़ा प्रश्न है इसलिए आपको लगना ये लिखना जरूरी है, और अगर आपको आता लघु उत्तरात्मक प्रश्न ही आ जाए ठीक है तब आप लिख सकते हैं प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। अगर 7 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो अभी मैं जो लिख पा रहा हूं वो, और 15 नंबर का आ रहा है तो वो भी इन्वॉल्व करना जो अभी मैंने समझाया था ठीक है। तो प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत, अब यहां से आपको बहुत जरूरी चीजें जो फटाफट लिखनी है, ध्यान रखिएगा। महेंद्र अग्रवाल हेलो वेलकम डियर। तो अब यहां पर मैं आपको जो समझाने वाला, ध्यान रखिएगा। तो अब प्लेटो ने यहां पर कहा है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है, यानी न्याय राज्य की प्राण वायु है। प्लेटो ने कहा न्याय राज्य की प्राण वायु है ठीक है। अब यहां से कहने का मतलब है कि राज्य की स्थापना या राज्य तभी सुदृढ़ हो सकता है जब वहां पर न्याय हो। क्या हो? न्याय हो। तो इस तरह से यहां पर आपको बताएं तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं, प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं ठीक है। और इन्हीं को देखो, मैं आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आए, इसी कामना के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को यहां पर राज्य न्याय भी कहा गया है, राज्य का न्याय भी कहा गया ठीक है। तो इस तरह से प्लेटो ने यहां पर न्याय के दो रूप बताए हैं अपने अकॉर्डिंग, एक तो व्यक्तिगत न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय। यानी व्यक्ति को अपने कार्य को करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना, अपनी व्यक्तित्व अभिलक्षा के आधार पे न्याय यानी कार्य करना व्यक्तिगत न्याय हो गया। यानी एक व्यक्ति को अपने कार्यों पर, अपने दायित्वों पर या अपने नैतिक उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए, उस अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति काम करता तो ये तो हो गया व्यक्तिगत न्याय। अब यहां पर सामाजिक न्याय के क्या है कि सामाजिक न्याय का मतलब समाज के अंतर्गत व्याप्त न्याय, यानी हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करेगा और इस तरह से सभी व्यक्ति जब अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य करेंगे तो इस तरह से राज्य में एक न्याय तत्व की स्थापना होगी, एक सद्गुण की स्थापना होगी, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो यहां पर इस तरह से व्यक्ति स्तर पर तो व्यक्ति को न्याय मिलेगा और सामाजिक स्तर पर पूरे समाज को न्याय मिलेगा। तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अब यहां पर जो आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि प्लेटो की न्याय की धारणा में, प्लेटो की न्याय की धारणा में मानवीय आत्मा में 3 गुण है वो विद्यमान बताए हैं। अब देखिए प्लेटो के अकॉर्डिंग, वापिस यहां पर जो समझा रहा हूं उसको नोट करिएगा क्योंकि इसके बाद आपको आगे जो लिखना है वो मैं समझा रहा हूं ठीक है। प्लेटो की न्याय धारणा में, यानी प्लेटो के जो विचार है उसको अगर हम देखें तो इस अकॉर्डिंग प्लेटो की न्याय धारणा में, न्याय धारणा में मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं यहां से समझिएगा। और इन्हीं 3 तत्वों के अकॉर्डिंग व्यक्ति 3 अलग अलग आचरण करते हैं और जब सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य को स्थापित करते हैं तो न्याय की स्थापना होती है। यानी प्लेटो ने कहा कि मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं, 3 गुण देखिए, एक तो होती है तृष्णा ठीक है, तृष्णा यानी लोभ लालस, लोभ लालस को हम तृष्णा कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो गुण होता है वो होता है शौर्य, और तीसरा जो गुण होता है वो होता साहस नहीं बुद्धि। तो देखिए तृष्णा के आधार पर, यानी तृष्णा एक गुण है और तृष्णा को अगर हम देखा जाए तो इन 3 गुणों के आधार पर मानव में 3 अलग अलग प्रकृति के लोग हैं वो रहते हैं। जैसे अगर बताऊं तृष्णा के आधार पर तो राज्य में व्यापारिक या उत्पादक वर्ग बनेंगे, कौन से बनेंगे? उत्पादक वर्ग
ठीक है, जो व्यापार वाणिज्य करते हैं, शौर्य के आधार पर राज्य में सैनिक वर्ग बनेंगे, कौन से वर्ग बनेंगे, सैनिक वर्ग, और बुद्धि के आधार पर राज्य में शासक या दार्शनिक वर्ग बनेंगे, कौन से, दार्शनिक। तो इस तरह से एक राज्य में तीन गुणों के आधार पर तीन कैटेगरी के लोग हैं वो देखे जाएंगे और सभी अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य करेंगे, यानी उत्पादक वर्ग को अपना कार्य करना है, सैनिक वर्ग के अंदर दखलंदाजी करना है और सैनिकों को अपना कार्य करना है, ये इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से अलग अलग वर्ग हैं वो अलग अलग स्तर पर अपने अपने कार्यों को करेंगे, दूसरे कार्यों में एक्सेप्ट न करेंगे। तो इस तरह से समन्वय होगा, यानी एक तालमेल बैठेगा, क्या बैठेगा, दोनों सभी में समन्वय स्थापित होगा, यानी सभी अपना अपना काम करेंगे। जब तीनों गुणों के आधार पर तीन अलग अलग कैटेगरी वर्ग बनेंगे, तीनों अपने अपने स्तर पर अपने कार्यों को करेंगे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी इन समन्वय के आधार पर राज्य में क्या आएगा, एक नया गुण प्रकट होगा और वो होगा न्याय। क्या होगा, न्याय गुण प्रकट होगा। तो इस अकॉर्डिंग प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को समझाया और लास्ट में प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति को अपना कार्य करना है और दूसरों के कार्य में से नहीं करना है। एबर अगर छोटा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, प्लेटो ने न्याय को, ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने न्याय को नैतिक गुण के रूप में समझा है, नैतिक गुण या तत्व, ठीक है ना, नैतिक तत्व के रूप में अभिव्यक्त किया है। यह प्रश्न काफी बार आ सकता है, यहां पर मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, यह समझ लीजिएगा, प्लेटो ने न्याय को नैतिक रूप में अभिव्यक्त किया है। इस लाइन का मतलब है कि प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या इसके अलावा जैसे अगर हम कहें तो प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति को धार्मिक और सद्गुण प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार करने चाहिए, तभी न्याय स्थापित होगा। तो ये तो कहलाता है नैतिक गुण, यानी अच्छी बात है। और कानूनी न्याय होता है कि कानूनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर कोई न्याय का उल्लंघन करता है तो दंड दिया जाना चाहिए, वो कानूनी होता है। लेकिन प्लेटो ने न्याय को किस रूप में अभिव्यक्त किया है, नैतिक रूप में। तो यहां से प्लेटो का जो न्याय संबंधी जो सिद्धांत है वो पूरा होता है, क्या होता है, पूरा होता है। राजपूत शॉर्ट वीडियो, गुड नाइट सर, बिल्कुल आप आए और गए, क्या बात है। तो यहां से आपको समझ में आ गया, यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत को तो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब हम बात करते आगे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत के बाद आता है शिक्षा सिद्धांत। और जो प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने एग्जाम के रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से है सर, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, जहाँ से अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैंने वहाँ पर अपलोड किया, तो चाहे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, ठीक है, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को अगर हम गौर से देखें तो प्लेटो ने रिपब्लिक के अंतर्गत ये अपने शिक्षा सिद्धांत दिए हैं और खुद प्लेटो ने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है, शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है शिक्षा, यानी मानसिक रोगों को उपचार करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इस तरह से प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धति, देखो प्लेटो ने अपने न्याय शिक्षा सिद्धांत क्यों दिया, उसके कारण थे, क्योंकि जिस समय प्लेटो का जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी जिस समय प्लेटो था उस समय दो तरह की शिक्षा पद्धति चलती थी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, प्लेटो के समय दो तरह की शिक्षा पद्धति थी, दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्लेटो के समय थी। ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत नहीं, उससे मैं समझा रहा हूँ कि क्यों उसने वो ऐसा नया अपना खुद का शिक्षा सिद्धांत दिया, तो उसके कारण थे कि इसके समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, यानी दो तरह की व्यवस्थाएं प्लेटो के उस दौरान देखी जाती थी। एक तो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी, एथेंस की शिक्षा पद्धति थी, और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, ठीक है। देखो एथेंस की शिक्षा पद्धति में शिक्षा का जो कार्य है वह पारिवारिक कार्य हुआ करता था, क्या कार्य हुआ करता था, पारिवारिक, ठीक है ना, पारिवारिक कार्य, यानी
उस समय अपने एथेंस में बात करें तो एथेंस जो राज्य था उसमें शिक्षा का कार्य एक पारिवारिक कार्य हुआ करता था, यानी बच्चे को शिक्षा है वो घर पे ही मिलती थी और वह घर के अंतर्गत कार्यों में रहते हुए यानी घर के कार्यों को करते हुए उसे शिक्षा प्रदान करवाई जाती थी। तो शिक्षा का जो कार्य है वो घरेलू कार्य यानी घर की द्वारा दिया जाता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शारीरिक मानसिक और शारीरिक गुणों के लिए ही उपयुक्त थी, क्योंकि इस तरह से व्यक्ति को उनके सभी गुणों को विकसित करने का कार्य यहाँ पर किया जाता था। लेकिन स्पार्टा की शिक्षा में क्या थी कि इसके अंदर जो शिक्षा का कार्य है वह राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था। किसके द्वारा? राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था शिक्षा का कार्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या था कि जो स्पार्टा था ना, स्पार्टा जो राज्य था वो चारों ओर से दुश्मन से घिरा हुआ था, तो इसलिए स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वह सैनिक शिक्षा पद्धति थी। क्या थी? सैनिक शिक्षा, यानी पूरी तरह से यहाँ पर शिक्षा कंट्रोल में थी राज्य के। अगर उस राज्य में कोई लूला लंगड़ा अगर बच्चा पैदा हो रहा तो जो पहले पहाड़ी पर लेके गिरा देते थे, क्योंकि वह सैनिक बनने लायक नहीं है। तो स्पार्टा में शिक्षा पद्धति शिक्षा को सैनिक रूप में प्रदान की जाती, जो हर व्यक्ति का यही उद्देश्य होता था कि उसकी शिक्षा सैनिक रूप में उसके समृद्ध किया जा सके। तो पूरी तरह से राज्य उस पर हावी होता था। लेकिन इन दोनों विचारों के ऊपर प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को दिया। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्लेटो के अकॉर्डिंग खुद के शिक्षा सिद्धांत में क्या बातें थी वो ध्यान दिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर अपने नरेंद्र सिंह जी है वो आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल गुड इवनिंग जी, बिल्कुल। प्रकाश स्वामी कौन सी सीरीज के हैं, क्लास किसकी पढ़े हैं तो बताना। डियर ये अपने बीए सेकंड ईयर की क्लास है जो चल रही है, जिसमें पेपर टू को पढ़ा रहा हूँ। गुनगुन अगर आपको, हाँ बिल्कुल, आप हिस्ट्री की क्लास का वेट करें तो हिस्ट्री की क्लास आपको 30 तारीख को मिलेगी, यानी 30 तारीख से अपनी हिस्ट्री की जो बीए फर्स्ट ईयर वालों के हैं उनकी क्लास होगी, ठीक है ना डियर। बिल्कुल, तो आगे हम बात करते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग खुद के शिक्षा सिद्धांत को। तो प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अपनी खुद की व्यवस्था को ध्यान में देते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। प्लेटो ने शिक्षा को व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया के रूप में बांटा, यानी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, क्या करना? संपूर्ण विकास। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपने स्तर पर सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? अपने क्लास आधे घंटे और चलेगी, बस आईएसट इतनी रहेगी, क्योंकि आज हम प्लेटो को पूरा करने वाले हैं, यानी प्लेट पूरी तरह से साफ करेंगे अपने एग्जाम के लिए। जैसे प्रश्न आ जाए प्लेटो को सीधा आंसर उसका लिखना चाहिए। निकित सुतार हेलो वेलकम डियर, इतना लेट कैसे आए? आपको पहले ही, आप सभी विद्यार्थी जो सेकंड ईयर के उनको पहले ही कहा है कि आपकी क्लास 8:30 बजे लगती है, तो लेट ना आए, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। तो आप समय का वेट न करें, न समय के आगे जाए, न पीछे जाए, साथ साथ चले, तो तुरंत आया करिए जब भी आपको ग्रुप में मिले। तो देखिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अगर बात करें तो प्लेटो ने शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है वो क्यों दिया? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करने के लिए, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो यही मैं आपको यहां पर बताऊंगा, यानी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को बता रहा हूं। तो शिक्षा सिद्धांत में उसने अपनी शिक्षा प्रणाली को दो भागों में बांटा है। तो इस अकॉर्डिंग एक तो उसने बताया प्रारंभिक शिक्षा, क्या बताया? प्रारंभिक शिक्षा, और एक बताया उच्च शिक्षा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत भी शिक्षा की व्यवस्था की है। शिक्षा दो प्रकार की बताई है, एक तो बताई है प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रारंभिक शिक्षा है वह 6 से लेकर 20 वर्ष तक चलेगी। कितने वर्ष तक चलेगी? 6 से 20 वर्ष तक चलेगी। इसके बाद उच्च शिक्षा है वह 20 से लेकर 35 वर्ष तक चलती है, लेकिन इसके अंदर एडवांस और ज़्यादा अनुभवी बनाने के लिए इसमें 15 वर्ष और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या शिक्षा प्रदान की जाती है? व्यवहारिक शिक्षा। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्लेटो की ये जो शिक्षा का कार्यक्रम है वह टोटल कितने वर्ष तक चलता है?
50 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष तक। ठीक है, टाइम होगा आपके 9:45 और उससे पहले 9:45 तक ये क्लास चलेगी डियर। ठीक है, तो बिल्कुल आप जब भी सेकेंड ईयर के जो अपने प्यारे विद्यार्थी जब आते हैं तो अपने साथ अपने मित्रों को भी लेके आइए, क्योंकि आपको पता है हर बार ये क्लास जो होती है हर बार इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ होती है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी होती है। तो ये ध्यान रखिए, कल की भी जो क्लास है वो 8:30 बजे लगेगी। ठीक है, अब देखिए प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत के अंदर शिक्षा की दो व्यवस्था बताई, प्रारंभिक शिक्षा। अब ये प्रारंभिक शिक्षा को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया कि प्लेटो ने कहा कि 6 से 20 वर्ष तक के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा चलेगी, जिसके अंतर्गत इसके भी दो पार्ट बताए। ठीक है, पहला पार्ट बताया कि 6 से 18 वर्ष तक व्यक्ति को संगीत, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, पहले स्तर पर कहा गया कि मन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को एक अनुकूल रखने के लिए उस शिक्षा में व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, और मन को शक्ति समृद्ध और तंदुरुस्त रखने के लिए संगीत की शिक्षा दी जाएगी। तो उस समय प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य के द्वारा वहां पर, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, स्त्री और पुरुष सभी के लिए शिक्षा थी यहाँ पर। प्लेटो की अगर बात आए कि प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा को किसके लिए उपलब्ध बताया, तो दोनों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 से 18 वर्ष तक तो प्लेटो के राज्य में संगीत और शिक्षा व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, और इसके बाद जो योग्य अनुकूल हैं, ठीक है, योग्य अनुकूल हैं उन्हें 18 से 20 के मध्य, यानी 18 साल होने के बाद 20 साल के मध्य उसे, जो व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग है, उसे सैनिक शिक्षा दी जाएगी। क्या शिक्षा दी जाएगी? सैनिक शिक्षा। ठीक है, क्या शिक्षा दी जाएगी? सैनिक शिक्षा। तो इस तरह से प्लेटो के प्रारंभिक शिक्षा में 20 वर्ष तक का व्यक्ति है उसे शिक्षा प्रदान की जाती है, और 20 वर्ष तक के उपरांत एक परीक्षा ली जाती है। क्या ली जाती है? परीक्षा। ठीक है, यानी 20 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के बाद उसे एक परीक्षा देनी होती है। ठीक है ना, यानी बौद्धिक या क्रियात्मक परीक्षा, हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए ये 20 वर्ष के बाद प्लेटो के राज्य में बौद्धिक और क्रियात्मक शिक्षा होती है, और जो ये शिक्षा पास कर लेता है, यानी परीक्षा पास कर लेता है, उसे तो उसे शिक्षा उपलब्ध होगी, और जो इस बौद्धिक और प्रारंभिक क्रियात्मक शिक्षा में फेल हो जाता है उसे आगे की शिक्षा प्रदान नहीं होगी, और वह उस राज्य में उत्पादक या सैनिक वर्ग का काम करेगा। और यानी जो इस परीक्षा में फेल हो जाता है उसे उस राज्य के द्वारा या तो सैनिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रदान करवाया जाएगा, ठीक है ना, सैनिक सेवा का, ठीक, या फिर वह उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा। किसका? उत्पादक वर्ग, यानी व्यापारी हो गया, क्रम उत्पादक वर्ग के, जैसे मैं बात बताऊं, कृषक, मजदूर, व्यापारी। ठीक है, तो इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति है वह सैनिक, कृषक, व्यापारी, मजदूर, ये बन सकता है। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा में अगर कोई अपने जो व्यक्ति है वो पास, यानी प्रारंभिक शिक्षा को अगर पास कर लेता है तो उस व्यक्ति को उस शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहां पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा डियर, कि अगर आपको पूछा जाए कि प्लेटो की शिक्षा की विशेषता बताइए, आलोचना बताइए, तो जो समझा रहा हूं ना उसी में से विशेषता निकलती है। तो अब देखिए प्लेटो की जो शिक्षा है उस शिक्षा वो सभी के लिए नहीं है, प्लेटो की शिक्षा उस शिक्षा है और वो उनके लिए है जो उस शिक्षा के काबिल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए, यानी अब 15 से 20 वर्ष तक, मतलब 20 से 15-35 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो 15 वर्ष तक की ये शिक्षा है, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा और ये शिक्षा किन के लिए है जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत, ये इस शिक्षा के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि जो फेल है उनको तो आगे पीछे रखेंगे और जो पास है वो यहाँ पर आएगा। तो स्त्री पुरुष दोनों को ये शिक्षा प्रदान की जाएगी, और उस शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। किसकी शिक्षा दी जाएगी? दर्शन शास्त्र की। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे डियर? यहां पर मैं आपको जो समझा रहा हूं इसमें समझिएगा कि उस शिक्षा में जो दाखिला लेगा उसे गणित, ज्योतिष शास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। अब एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, जो ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो के
प्लेटो ने एक यानी यूरोप के कहें कि सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यूरोप में सबसे पहले विद्यालय की जो स्थापना की थी वो प्लेटो ने की थी। किसने की थी? प्लेटो ने। तो प्लेटो के इस शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी। क्या नाम था? अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का पहला विद्यालय कौन सा था? अकादमी। ये प्लेटो का था और प्लेटो ने कहा था कि मेरे इस विद्यालय में वह व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसे गणित की जानकारी हो, ठीक है ना, गणित की या दर्शन शास्त्र की। यानी मेरा ये जो अकादमी है वो उनके लिए ही है जो गणित का जानकार हो, यानी बिना गणित के जानकार के लिए ये विद्यालय उपलब्ध नहीं है। ये इनके जो विद्यालय का जो गेट था ना, उस गेट पे लिखा था, तो ये विद्यालय उनके लिए है जो गणित के लिए जानकार है, गणित को समझता हो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि उस शिक्षा में गणित, ज्योतिषशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे 15 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती थी, और ये जो है इसमें हम कहेंगे कि ये दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी थी, दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी, ठीक है। यानी यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं कि प्लेटो की शिक्षा योजना है वो दो भागों में बटी थी, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में उनको ली जाती थी जो प्रारंभिक शिक्षा पास कर ले जाते थे, यानी इसके अंतर्गत सभ्य, योग्य और दर्शन या दार्शनिक विद्वानों की उत्पत्ति या दार्शनिक विद्वानों को बनाने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज और बताएं, आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसमें गणित को विशेष ध्यान दिया जाता था। अगर पूछा जाए उच्च शिक्षा में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता था? गणित को, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्लेटो की अकादमी में भी गणित को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। पीजे फन फॉर यू शिखर से है, हाँ बिल्कुल वेलकम डियर, नमस्ते, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के बारे में आपको ध्यान लग गया होगा। अब ये जो उच्च शिक्षा है वो 20 से 35 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति को दी जाती थी, और यहाँ पर ये जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी, इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखा जाए, तो व्यक्ति को ये जो सबसे जरूरी शिक्षा थी वह थी कि वह 35 वर्ष तक उसे शिक्षा प्रदान की जाए, और 35 वर्ष तक शिक्षा प्रदान करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आगे शिक्षा सफल आगे अगर पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसे आगे के उसे मान लीजिए कि 10 से 15 वर्ष तक और उसे आगे प्रदान की जा सकती थी वह शिक्षा थी उसे व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। कौन सी शिक्षा? व्यवहारिक। तो अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो 35 वर्ष तक की लास्ट के जो 5 वर्ष है ना, लास्ट के 5, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है तो उसे आगे की जो 5 वर्ष है उसके अंतर्गत सिर्फ उस व्यक्ति को द्वंद एवं दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? दर्शन शास्त्र की, ठीक है। तो यहाँ तक प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के अंदर शिक्षा सिद्धांत की बात कही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बिल्कुल वेलकम डियर। अब यहाँ पर हो जाने के बाद प्लेटो कहता है शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो निवासी है उन्होंने इस शिक्षा को एज थ्योरी के रूप में समझा है, लेकिन अगर व्यक्ति को समाज में वो व्यक्ति जाएगा तो उसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? व्यवहारिक। तो इसी तरह से प्लेटो ने कहा कि 35 वर्ष के बाद अगले 15 वर्ष तक व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी कि वह इन प्राप्ति की शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतार पाए। तो इसी तरह से ये व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था कि व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर ही व्यक्ति है वह दर्शन शास्त्र का योग्य व्यक्ति होगा, यानी दार्शनिक बनेगा। क्या बनेगा? दार्शनिक या शासक वर्ग, दार्शनिक या शासक वर्ग। यानी अगर कोई राजा बनना चाहता है तो उसे पूरे 50 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि 15 वर्ष अंतिम व्यवस्था जिसे व्यवहारिक सिद्ध अनुभव प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति अगर राज्य को संभाल रहे हैं तो इन शिक्षा को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारें और व्यवहारिक स्तर पर उस समस्या को झेलते हुए शिक्षा प्राप्त करें। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत आती है। शीतल शुभमन सर, वापस क्लास कब होगी? यही क्लास अगर कह रहे हैं कि यानी इसका सेकंड पार्ट है वो कल होगा, ठीक है। अब ये तो क्लास आपको मैंने बता दिया कि 9:45 पर चलेगी, जिसमें आज प्लेटो को निचोड़ करके निकलना है, यानी
समझना है, तो वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कल जो नेक्स्ट होगी वो इसके बाद 8:30 बजे होगी। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा योजना किस तरह से चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊँ प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को अगर बताऊँ एग्जाम में आ जाए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो की ये शिक्षा जो शिक्षा योजना है उसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, पहली विशेषता क्या हो गई, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। दूसरी विशेषता कि इसके इस शिक्षण संस्था में गणित को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तीसरी बात अगर बताएं तो ये शिक्षा सभी के लिए नहीं थी, ये शिक्षा उनके लिए थी ज़्यादातर जो दार्शनिक और शासक वर्ग बनना चाहते हैं। इसके अलावा चौथी विशेषता कि इस के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसे सैनिक शिक्षा का सैनिक सेवा या उत्पादक वर्ग का काम करना होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लेटो की इस शिक्षा के द्वारा एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी थी। तो ये मैंने 4 विशेषता बताई है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की, 4 विशेषता आपने समझ लिया होगा, क्योंकि एग्जाम में इस सिद्धांत के अलावा प्लेटो की विशेषता पूछ जाए कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषता बताइए, फिर अटक जाएंगे। अटकने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है ना, बस अगर समझ में आ गया तो विशेषता ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। अगर आप अपने किसी मित्र को जानते हैं तो फिर उसकी विशेषता भी जान से कोई पूछ लेगा ये कैसा व्यक्ति, तो आप बता देना कि भाई ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति ये ऐसा करता है। तो ये कब समझा, जब आपने उस व्यक्ति को समझा। तो जब अगर आपने टॉपिक समझ लिया है तो आपको इसकी विशेषता ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। वैसे 4 मैंने इंट आपको दे दी है। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे जरूरी है और उसको हम यहाँ पर पढ़े। तो ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को मैंने बता दिया है, अगर मैं वापिस अगर विशेषता समझना चाहते हैं तो मैं सिर्फ 4 पॉइंट फटाफट से बता देता हूँ कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता क्या है, ठीक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता को मैं यहाँ पे शॉर्ट बॉक्स में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यानी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता, तो पहली विशेषता तो यह शिक्षा सभी के लिए नहीं। अब क्यों सभी के लिए नहीं, उत्तर दीजिए मुझे, यह शिक्षा सभी के लिए क्यों नहीं है, उत्तर बताइए जल्दी से मुझे। पहली विशेषता हो गई कि प्लेटो की शिक्षा सभी के लिए नहीं है। दूसरी, इसके अंतर्गत संगीत की, व्यायाम की और दर्शन शास्त्र की तो बात की गई है प्लेटो ने अपने शिक्षा में, लेकिन प्लेटो ने अपने इस शिक्षा योजना के अंतर्गत साहित्य की बात नहीं की। किसकी बात नहीं की, साहित्य की। तो यहाँ पे दूसरी इसकी कमी है, साहित्य की उपेक्षा। किसकी उपेक्षा की गई है, साहित्य की उपेक्षा। इसके अलावा बात करी जाए तो शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। तीसरी, शिक्षा क्रम लंबा एवं खर्चीला, बिल्कुल। अब अगर कोई व्यक्ति पूरे 50 साल पढ़ेगा तो फिर खाएगा क्या, कमाएगा क्या, धोएगा क्या, कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर एक व्यक्ति को बांध लिया। एक व्यक्ति का खुद का भी तो जीवन होता है, खुद की इच्छाएं, मर्यादाएं, खुद की लाइफ स्टाइल होती है। अगर एक व्यक्ति पूरे प्लेटो के अकॉर्डिंग 50 वर्ष तक पढ़ता रहेगा तो फिर अब आगे क्या करेगा, आगे उसके 50 वर्ष में क्या करेगा, यानी खाएगा कि निचोड़ेगा। तो प्लेटो का सिद्धांत बहुत लंबा है और बहुत खर्चीला भी है, ये इसकी विशेषता प्रकट होती है, बहुत खर्चीला और ये भी है। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिल्पा गहलोत, वेलकम डियर, काफ़ी लेट आए हो, अब कंटिन्यू आइए क्योंकि आपकी पॉलिटिकल की ही क्लास चलेगी 8:30 बजे, तो देरी ना करें और टाइम पे आते रहे। बात करें चौथी इस सिद्धांत की जो विशेषता है वो बताएं, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि व्यक्तिगत विकास का बलिदान है, व्यक्तित्व विकास का बलिदान, ठीक है। यानी अभी जस्ट बताया ना कि एक व्यक्ति पूरे 50 साल अगर पढ़ाई में झोंक देगा तो करेगा क्या, यानी उसका परिवार, उसकी खुशी, उसके जीवन की कुछ मर्यादाएं, इच्छाएं वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो प्लेटो की शिक्षा को पूरा समझने के बाद ये व्यवस्था अभिव्यक्त होती है, समझ में आ गया। अब हम सीधा बढ़ते हैं प्लेटो का नेक्स्ट जो प्रश्न में आने वाला सवाल है, प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताइए। और अगर आपको डियर बताऊं तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताइए। क्योंकि आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी तक अपने मैराथन क्लास है वो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की हुई है, और जो मैंने बताया है ना 90 नंबर के प्रश्न उनके आए हैं, आप उठा के देख लीजिए।
तो इसलिए मैं आपको पुनः कह देता हूँ, इस क्लास को भी सीरियस होकर समझिएगा। जो मैंने आपको कह देता हूँ 100% 100% कह देता हूँ, तो बस आपको उस सवाल के पीछे पड़ जाना है। तो अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको दो सिद्धांत तो अच्छे से समझा दिए, यानी प्लेटो का जो भी प्रश्न आएगा, प्लेटो का आएगा 100% आएगा प्रश्नों के प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो अपने फेमस सिद्धांत एक चिंतक है, तो प्रश्न तो आना लाजिम नहीं है। तो अब इसके अंतर्गत हम समझ रहे हैं प्लेटो के छोटे प्रश्न यहीं से क्लियर होते जा रहे हैं। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद की अगर बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को बताया है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय बताया है, तो उसमें कहा है कि नियंत्रित व्यवस्था के बारे में बताया है, एक नियंत्रित व्यवस्था के द्वारा है वो राज्य में न्याय स्थापित होता है। तो अब यही को अगर हम आगे बताएं तो आपको बता देते हैं कि प्लेटो ने अपने एक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, या कहें प्लेटो ने अपने साम्यवाद के अंतर्गत दो तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी प्लेटो का साम्यवाद है वह दो तत्वों पर आधारित है। प्लेटो का साम्यवाद दो तत्व पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके बता देता हूँ प्लेटो का साम्यवाद। तो पहला जो विचार है वो है संपत्ति विषयक साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद, ठीक है। दूसरा है पारिवारिक विषयक, पारिवारिक विषय साम्यवाद, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने बोर्ड पे बताया, तो अब इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। तो प्लेटो के साम्यवाद को हम दो अलग अलग तरह से समझेंगे, या तो पूरा प्रश्न आ सकता है, या फिर आ सकता है कि प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में बताइए, या प्लेटो के परिवार विषयक विचार के बारे में बताइए। तो इस तरह से ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है, शुद्ध रक्षक की प्रज्ञा हो जाती है। तो प्लेटो ने अभिभाग वर्ग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इसकी बात कही थी। यानी एक सिंपल बताऊँ, प्लेटो ने ये साम्यवाद सिद्धांत क्यों दिया? तो प्लेटो ने कहा एक आदर्श राज्य अगर स्थापित करना है तो ये दो व्यवस्थाएँ होनी जरूरी है, ये दो विचार या दो तत्व स्थापित होना जरूरी है। अब इसके अंतर्गत देखिए, मैं आपको यहाँ से जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। संपत्ति विषयक साम्यवाद, संपत्ति मतलब पैसे, संपत्ति मतलब पैसे, क्या पैसों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत अलग अलग वर्ग कैटेगरी की बात की थी। तो सबसे पहले तो मैं वर्ग कैटेगरी की यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, प्लेटो ने कहा कि समाज एक राज्य में तीन प्रकार के गुण, यानी एक राज्य में मानव में तीन प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं? तीन। एक तो होता है तृष्णा, जस्ट अभी मैंने बताया था, क्या होता है? तृष्णा गुण होता है। दूसरा अगर बताएं तो शौर्य गुण होता है, और तीसरा अगर गुण बताएं तो होता है बुद्धि, क्या होता है? तो प्लेटो के राज्य में व्यक्तियों में तीन तरह प्रकार के गुण पाए जाते हैं, किसमें कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई बराबर होता है, लेकिन किसी व्यक्ति में शौर्य गुण ज़्यादा है तो इस अकॉर्डिंग वह व्यक्ति है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा? सैनिक वर्ग के अंदर आएगा। कौन से वर्ग के अंदर आएगा? सैनिक वर्ग के अंदर। अगर किसी व्यक्ति में तृष्णा की भावना ज़्यादा है तो वो हो जाएगा उत्पादक वर्ग के अंदर, व्यापारी, कृषक, मजदूर है वो बनेगा, ठीक है। और प्लेटो के इस राज्य में अगर कोई व्यक्ति में बुद्धि तत्व ज़्यादा पाया जाता है तो उस अकॉर्डिंग वह व्यक्ति है या तो वो दार्शनिक बनेगा, या तो उसे दार्शनिक वर्ग में रखा जाएगा, या फिर शासक वर्ग में रखा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे ये पूरा समझाऊँ, इससे पहले ये मैं समझा रहा हूँ इसको समझिएगा। प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो के राज्य में जो व्यक्ति है उनमें ये तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। किसी में कोई ज़्यादा गुण है, तृष्णा ज़्यादा, तो उत्पादक यानी मजदूर, कृषक वगैरह बनेगा। सॉरी गुण है तो वो सैनिक वर्ग बनेगा यानी सेना की सेवा करेगा। बुद्धि है तो दार्शनिक और शासक बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि प्लेटोन ने कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए साम्यवाद व्यवस्था होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ने इस वर्ग को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो बांट दिया संरक्षक वर्ग, ठीक है, और एक बांट दिया हम कहेंगे शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग। ठीक है, तो संरक्षक वर्ग उत्पादक वर्ग मान लीजिए, तो इन इन उत्पादक इनको यानी ये जो कृषक मजदूर जो है इनको तो संरक्षक वर्ग के अंदर काउंट कर लिया, और जो सैनिक और दार्शनिक थे उनको प्लेटो ने किस वर्ग के अंदर काउंट कर लिया, अभिभावक वर्ग के अंतर्गत। तो अब मैं ये जो दोनों समझा रहा हूँ इसमें बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों के इर्द गिर्द ये दोनों विचार आ रहे हैं, यानी 15 या 7 नंबर का ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें अभी आपको ये ध्यान रखना है। मैं हर बार इनके बारे में बताऊंगा, इतना बताने के बाद मैं अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि संरक्षक वर्ग क्या है, उत्पादक वर्ग क्या है। उत्पादक वर्ग या मतलब संरक्षक वर्ग के अंतर्गत जो आ रहा है, ठीक है ना, वो है उत्पादक वर्ग यानी कृषक मजदूर वगैरह जो सेवा कर रहे हैं। अभिभावक वर्ग में कौन आ गया, सैनिक और दार्शनिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब देखिए मैं पूरा जब समझाऊं ना तो ये दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि ये विचार है पूरा क्लियरली समझ में आ सके। अब देखिए, अब यहाँ पर इस सिद्धांत की मैं बात बताऊं तो प्लेटो ने अपने एक आदर्श राज्य के अंतर्गत संपत्ति विषयक सिद्धांत की बात कही। कौन से राज्य में, आदर्श राज्य की स्थापना में। यानी प्लेटो एक काल्पनिक विचार ज्यादा देता था। प्लेटो ने कहा एक राज्य को अच्छा राज्य बनने के लिए संपत्ति विषयक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक राज्य में दो प्रकार की वर्ग कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो अभी जैसे मैंने बताया उत्पादक वर्ग होते हैं और एक होते हैं अभिभावक वर्ग। कौन होते हैं, अभिभावक वर्ग। तो प्लेटो ने कहा कि भाई जो अभिभावक वर्ग जो होते हैं ना उनको पैसे नहीं रखने चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए, पैसा। क्यों, क्योंकि जो अभिभावक वर्ग है वो अभिभावक होते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, सैनिक और दार्शनिक। अगर एक सैनिक है अगर उसे पैसे दिए जाए, अगर उसमें मन में पैसों का लालच आ जाए तो वो सेना पे सेना में युद्ध लड़ते समय आगे वाली बड़ी सेना अगर उसको पैसे का लालच दे दे तो वो व्यक्ति धोखा कर सकता है, वो दगा दे सकता है। या एक दार्शनिक है, एक राजा है, उसे पैसों का अगर लालच होगा तो वो पैसे कमाने में लग जाएगा, सेवा नहीं करेगा। इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग को पैसों से दूर रखा है, उनके लिए पैसे संपत्ति नहीं रखा है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कहा कि आदर्श राज्य तभी बनेगा जब उत्पादक जो वर्ग हैं वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से अपना काम करें। इसलिए जो अपने अभिभावक वर्ग है उन्हें संपत्ति और संपत्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं को अपने मन विचार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तो इसका मतलब फिर क्या होगा, तो फिर पैसे वगैरह जो है वह उत्पादक वर्ग रखेंगे, यानी व्यापार करना, व्यापार इन्वेस्ट करना, कृषि मजदूरी करना, लेबरिंग करना। तो इस तरह से उस राज्य में पैसों का जो हैंडलिंग है वह उत्पादक वर्ग के पास होगा, क्योंकि ये तृष्णा है, व्यापारी लालची होते, तो पैसे इनको रखा जाए। लेकिन देश के लिए सेवा करना है, सैनिक है या दार्शनिक मतलब जो राजा महाराजा बनेंगे तो ये देश की सेवा करना है, तो देश की सेवा करने वालों को पैसे रखने की जरूरत नहीं है, ये उत्पादक वर्ग के पास है। तो इस तरह से प्लेटो ने इस संपत्ति विषयक साम्यवाद के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा गया, क्योंकि प्लेटो ने अपने इस विचार में कहा कि अगर लोगों के मन में पैसों का लालच आएगा तो ये जो अभिभावक वर्ग है वो लालची हो जाएगा और काम सही से नहीं करेगा। तो अगर इस अकॉर्डिंग अगर बताएं तो आपको ये विचार तो समझ में आ गया ना डियर, अगर विचार समझ में आ गया है, ठीक है ना, यानी ये जो वर्ग है ये संपत्ति नहीं रखेंगे, ये संपत्ति नहीं रखेंगे। तो इस अगर विचार को अगर समझ में आ गया तो इस विचार के चीज उपलक्ष्य में कुछ बातें कहूंगा कि प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका एक तो आधार था मनोवैज्ञानिक आधार, यानी
मन में लालच ना आ जाए इनको, इसलिए इनको पैसों से दूर रखा, पैसे इनके पास रखे, यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर हम ये कह सकते हैं। दूसरा दार्शनिक आधार, दूसरा ये सिद्धांत के ऊपर बल पूर्वक हो गया, क्योंकि दार्शनिक आधार का मतलब एक फिलोसोफर, खुद प्लेटो फिलोसोफर था, तो उसने बड़ी दूर की सोच के कहा कि एक राज्य को व्यवस्थित संचालन करने के लिए संपत्ति विषयक जो साम्यवाद विचार है वह अभिभाग वर्ग के ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि अभिभाग वर्ग को देश की सेवा करना है तो उसके मार्ग में कोई बाधा खड़ी ना हो, इसलिए इसको संपत्ति से, संपत्ति विषयक चीजों से दूर रखना है। तो ये विचार कहलाता संपत्ति विषयक सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं पारिवारिक विषयक सिद्धांत, ठीक है। ये भी सेम ऐसा का ऐसा ही है, अब यहां पर थोड़ा सा फर्क है आपको बता रहा हूं। देखिए पारिवारिक विषयक जो साम्यवाद है वो भी प्लेटो ने इसलिए दिया क्योंकि वो चाहता है कि एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए एक गुणी और चरित्रवान और सर्वश्रेष्ठ नागरिकों की उत्पत्ति और एक सर्वश्रेष्ठ राज्य की स्थापना के लिए पारिवारिक विषयक साम्यवाद सिद्धांत होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, महेंद्र अग्रवाल समझ में आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो डियर अब ध्यान दीजिए, ये मतलब एक ये बहुत ही कहता है ना एक, चलो मैं आपको 20-20 में समझाऊंगा क्यों एक इंटरेस्टिंग ये है। तो देखिए ये पारिवारिक विषयक साम्यवाद भी इन दोनों पर लागू होता है, एक तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी उत्पादक वर्ग, क्या बताया उत्पादक वर्ग, दूसरा आपको बताया अभिभावक वर्ग। तो प्लेटो ने कहा कि भाई परिवार, क्या परिवार, और परिवार के साथ जैसे स्त्री बच्चे माता पिता ये परिवार कहलाता है। तो प्लेटो ने कहा कि भाई जो अभिभावक वर्ग है ना उसको परिवार नहीं रखना है। अरे भाई ऐसा कोई आज के समय होता है, आज के समय ऐसा कोई नहीं है, लेकिन प्लेटो ने एक मतलब ऐसा सोच के विचार दिया कि प्लेटो ने कहा कि भाई अभिभावक वर्ग के अंदर कौन कौन आता है, एक तो सैनिक आते हैं, दूसरे दार्शनिक राजा महाराजा प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। तो अगर एक सैनिक की जैसे एग्जांपल लूँ, एक सैनिक है और सैनिक को अगर परिवार रखने की आज़ादी दी जाए तो वो सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए जब सीमा पर जाएगा तो वहाँ पर लड़ते लड़ते उसके मन में ख्याल आएगा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, तो इसलिए वह ये सोच के इस विचार में डूब जाएगा और अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देगा। तो इस वजह से देश एक राज्य के लिए ये बहुत गंभीर समस्या होती है। तो प्लेटो ने कहा कि ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए हम उत्पादक वर्ग अपने अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति से दूर रखते हैं, क्या करते हैं दूर रखते हैं, क्योंकि एक आदर्श राज्य और अभिभावक वर्ग के मध्य की जो बाधाएं हैं उसको दूर कर लेते हैं ताकि ये पूरी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा और जितना अच्छा हो सके काम कर सके। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो अभिभावक वर्ग है उन्हें परिवार और परिवार से संबंधित जो भी विषयक विचार हैं वो मन में भी नहीं लाने चाहिए। तो अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए कि परिवार नहीं रखना है, तो यहाँ पर ये कहा है कि परिवार पुरुष स्त्री मतलब परिवार और बच्चे स्त्रियाँ हैं यानी पत्नियाँ हैं वो किसे रखने का अधिकार है, तो वो उत्पादक वर्ग को रखने का अधिकार है, यानी अभिभावक वर्ग है उसे परिवार बच्चे और पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके मन में लालच कामना मोह माया जग जाती है, तो ये जो अभिभावक वर्ग है जो एक राज्य के अभिभावक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें परिवार स्त्री से दूर रखा गया। तो अब तो फिर राज्य ने कहा मतलब फिर प्लेटो ने ये भी कहा कि हर राज्य हर एक व्यक्ति की फिजिकल जरूरत होती है, फिजिकल समझे शारीरिक जरूरत। तो एक सैनिक है या एक राजा है अगर उसे परिवार या पत्नी स्त्री रखने की जरूरत नहीं है तो उसकी फिजिकल जरूरत कैसे पूरी होगी, उसकी फिजिकल जरूरत कैसे पूरी होगी, तो इसका तोड़ प्लेटो ने बताया। प्लेटो ने कहा जैसे मैं एक पूरा ओपनली नहीं बताऊंगा, सिंपल यहाँ से बताऊंगा, जैसे एक बस आपको पता है एक बस होती है, क्या होती है एक बस होती है, ठीक है ना, बस को आप समझते हैं। तो अब यहाँ पर जो एक बस होती है, बस में एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो बस का मैं जैसे एग्जांपल बताऊं, तो बस का एक ये गेट होता है एंट्री वाला गेट, और एक बस का होता है पीछे वाला गेट जो यात्री बाहर आते हैं, ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पर समझिएगा कि प्लेटो ने कहा कि भाई जो राजा महाराजा होते हैं और सैनिक होते हैं उन्हें परिवार, पत्नी, बच्चे नहीं रखने, क्योंकि अगर वे ऐसा रखते हैं तो अपनी सेवा ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। तो फिर किसी ने कहा कि भाई उन लोगों की शारीरिक जरूरत पूरी कैसे होगी, तो बस का उदाहरण देखिए। यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को कहीं दूर जाना है तो वो क्या करेगा, बस में बैठेगा, यहाँ से बस में बैठ गया और जहाँ जरूरत थी वहाँ उतर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब व्यक्ति को जरूरत थी तो बस में बैठ गया और फिर उतर गया। तो ऐसे ही प्लेटो ने कहा कि एक सामुदायिक भवन बनेगा। क्या बनेगा? सामुदायिक भवन, जहाँ पर विभिन्न तरह की विभिन्न प्रकार की स्त्रियाँ हैं वो वहाँ पर निवास करेगी और जो भी सैनिक या दार्शनिक है वह अपनी फिजिकल जरूरत पूरा करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी फिजिकल जरूरत पूरा करके वो वापस बाहर चले जाएंगे राज्य की सेवा में। यानी एक बस की तरह कि आपको जरूरत थी तो बस में बैठे, बस का यूज ले लिया और उतर गए। तो इसी तरह प्लेटो ने कहा कि अभिभावक वर्ग को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करनी है तो उस राज्य में एक सामुदायिक भवन होगा जहाँ पर वो जाएंगे, अपनी सामूहिक या अपनी जो जरूरत है, फिजिकल जरूरत है, वो पूरी करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक ट्रेंड चलेगा। समझ में आ गया, फिजिकल नीड। अब इसमें इसके कुछ लॉजिक बताए। एक ये बताया कि इससे क्या होगा, जैसे उत्पादक वर्ग जो मतलब जो दार्शनिक वर्ग जो होते हैं, दार्शनिक वर्ग यानी बुद्धिशाली, सैनिक वर्ग यानी शक्तिशाली, तो अगर बुद्धिशाली और सैनिक व्यक्ति हैं वह अगर एक ही जगह पर अगर सहवास करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों के अच्छे गुण यहाँ पर इन स्त्रियों को मिलेंगे और यहाँ से उत्पन्न होने वाले बच्चे काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ होंगे। तो इसके लिए भी, और दूसरा प्लेटो ने बताया कि अगर एक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो संपत्ति विषयक साम्यवाद को देना जरूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर जो आपको समझाया कि क्यों प्लेटो ने पारिवारिक साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद दिया। अब इसमें मैं कुछ विचार आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बच गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेटो ने ये योजना क्यों दी, इसके पक्ष में विचार बता रहा हूँ, पक्ष में विचार कि भाई ये पारिवारिक साम्यवाद या प्लेटो ने क्या दिया। तो इसका सिंपल पहला रीजन तो इसने ये कहा कि अभिभावक वर्ग को, जैसे मैं बताया था ना कि अभिभावक वर्ग को मोह से दूर रखना, दूर मतलब पत्नी होगी, बच्चे होंगे तो मन में लालच आएगा, मोह माया आएगी तो काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनको इससे दूर रखना, ठीक है। दूसरी मैं अगर बात करूँ आपको तो दूसरी है राज्य में एकता रखना, क्या करना, एकता स्थापित करना। अगर राज्य में परिवार, बच्चे वगैरह नहीं होंगे तो झगड़े नहीं होंगे, परिवार बटेगा नहीं, परिवार में कोई विभाजन नहीं होगा और इस तरह से एक यूनिटी, एक शक्तिशाली व्यवस्था स्थापित होगी, ठीक है। नेक्स्ट बताया कि प्लेटो ने ये क्यों ऐसी बात कही, तो इसका मतलब श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति। अभी मैंने बताया ना कि एक ही जगह पे बुद्धिशाली और शक्तिशाली लोग सहवास करेंगे तो उनके जो गुण सूत्र है वह उन बच्चों में प्रकट आएंगे और बच्चों में ये शारीरिक गुण उत्पन्न होगा। तो उस तरह से श्रेष्ठ बच्चों की उत्पत्ति के लिए भी प्लेटो ने इस सिद्धांत की बात कही। तो मेरी ये जो बात है वो डियर विद्यार्थी समझ में आ रही है। अगर अब मैं बताऊँ इस सिद्धांत की आलोचना की बात बताऊँ तो ध्यान रखिएगा कि आज के समय हर व्यक्ति जिसके पैसे की भी जरूरत होती है और शारीरिक जरूरत भी होती है, तो इस अकॉर्डिंग आज के समय प्लेटो का साम्यवाद है वो हकीकत में नहीं चल सकता है, क्योंकि ये विचार है वो हकीकत में अप्लाई भी नहीं होते। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जब प्रश्न आ जाए कि प्लेटो का साम्यवाद विषयक और पारिवारिक विशेष विचार के बारे में बताइए, तो जो मैंने आपको ये समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लेटो से आपके 100% प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार आपने ये देखा हो तो ये आते हैं। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। यानी प्लेटो ने कहा एक राज्य होना चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए, तो उसके बारे में विचार दिया था।
आदर्श राज्य, ठीक है, ये लास्ट विचार है, इसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। तो प्लेटो का आदर्श राज्य, तो सबसे पहले ध्यान रखना प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के बारे में जो विचार है वो कौन सी पुस्तक में दिए, रिपब्लिक में, कौन सी पुस्तक में दिए थे, रिपब्लिक में दिए थे। लेकिन ये आदर्श राज्य में विचार इसमें कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव या कहे कि ज़्यादा अग्रेसिव वाले दिए थे, तो प्लेटो ने फिर अपने उप आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, उप आदर्श ध्यान रखिएगा, उप आदर्श राज्य के विचार किसमें दिए, तो उस पुस्तक का नाम है द लॉज। तो ये प्रश्न आ सकता है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के विचार कौन से पुस्तक में दिए, रिपब्लिक में। प्लेटो ने उप आदर्श राज्य के विचार कौन से पुस्तक में दिए, द लॉज के अंतर्गत दिए। समझ में आ रहा है? सुनील कुमार वेलकम डियर, इतना लेट आए हैं, टाइम पे आया करो क्योंकि अभी आपकी क्लासे हैं, और जो आपने नहीं समझा मैं पूरा पूरा वापस समझा रहा हूँ, आज पहली मैराथन क्लास थी प्लेटो की, ठीक है, आने वाली क्लासों पर भी ध्यान दीजिएगा। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या बातें थी, ऐसे क्या विचार थे जिस अकॉर्डिंग हम कहें। आदर्श राज्य का मतलब है कि प्लेटो ने उस समय जो राज्य देखे उस अकॉर्डिंग उसके मन में एक विचार आया कि कैसा राज्य होना चाहिए, बढ़िया राज्य कैसा होना चाहिए। तो प्लेटो ने एक अच्छा राज्य के बारे में कल्पना की, अपने जो विचार दिए वही आदर्श राज्य के अंतर्गत आते हैं, और ये रिपब्लिक में कहा था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं यहाँ पे नोट करूँगा, समझाऊंगा। दार्शनिकों का शासन, देखिए ध्यान दीजिए डियर, प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य के अंतर्गत अलग अलग वर्ग की बात कही है कि भाई उत्पादक वर्ग होंगे, सैनिक वर्ग होंगे और दार्शनिक वर्ग होंगे। लेकिन एक राज्य को चलाने के लिए दार्शनिक वर्ग होंगे, कौन होंगे, दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक यानी राज्य को चलाने वाले शासक और शासनाधिकारी। तो इस तरह से आदर्श राज्य को हैंडल करना या आदर्श राज्यों के चलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, दार्शनिकों का होगा। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है, दार्शनिक है। समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरी बात यहाँ पर करें तो निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेट देखिए, महाराजा महाराजों के राज्य होते हैं ना, जिसमें राजा सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, निरंकुश होता है, मैं हूँ राजा, सब कुछ मैं ही करूँगा, तो ऐसा प्लेटो के राज्य में नहीं है। प्लेटो के राज्य में जो भी यहाँ का राजा बनेगा वो दार्शनिकों में से बनेगा, पढ़ा लिखा समझदार होगा, तो इस अकॉर्डिंग वह मनमानी नहीं कर सकता है, वह उस राज्य की नियम विधि कानूनों के अकॉर्डिंग उस राज्य में राज करेगा। तो इस अकॉर्डिंग प्लेटो के आदर्श राज्य में जो राजा है, शासक होगा, वह निरंकुश नहीं होगा, उसके ऊपर भी कोई लिमिट होगी, असीमित नहीं है, ठीक है, ये दूसरी विशेषता होगी इसकी। तीसरी, आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो ने ये सबसे अच्छी बात बताई, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने यही पढ़ाया था कि प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है एग्जाम में आने वाला। तो जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं वो देख लीजिएगा कि न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो ने कहा कि एक समाज में तीन वर्ग होंगे, तीन गुणों पर तीन वर्ग बनेंगे, और इन तीन ही गुणों के आधार पे वो जो तीन वर्ग है वो अपना अपना काम करेंगे और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो इस तरह से राज्य में एक अच्छा नया व्यवस्था, नया गुण बनेगा, वो बनेगा न्याय। व्यक्ति को अपना काम करना है, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना है, यही व्यवस्था प्लेटो के राज्य में न्याय कहलाएगी। तो ये तो मैंने समझा दिया है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय है, न्याय जरूरी, आदर्श राज्य में न्याय तत्व को महत्वपूर्ण बताया है। इसके अलावा प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में बताया है नागरिकों के तीन वर्ग होंगे। जैसे अभी बताया था ना, एक तो बताया था उत्पादक वर्ग होगा जो उत्पादन का कार्य करेगा, दूसरा सैनिक वर्ग होगा जो उस राज्य की सेवा करेगा, और तीसरा होगा दार्शनिक वर्ग जो उस राज्य में राज्य संचालित करेगा, यानी राज्य संचालित मतलब राजा बनेगा और अधिकारी उपाधिकारी बनेंगे। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिक वो तीन कैटेगरी के होंगे और इसी तरह से वो राज्य संचालित होगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवी इसकी बात करें तो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित। अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कि प्लेटो ने कहा कि उत्पादक वर्ग जो है मजदूर, किसान या व्यापारी, तो उत्पादक वर्ग है, तो व्यापार करना उत्पादक वर्ग का काम होगा, सेवा करना सैनिकों का काम होगा और राज्य को संचालित करना दार्शनिक वर्ग का काम होगा। इस तरह से प्लेटो का जो कार्य है, इस कार्य प्लेटो का जो राज्य है वह कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित, यानी हर वर्ग को अपना कार्य दिया हुआ है और इस अकॉर्डिंग प्लेटो के इस राज्य में वो व्यक्ति अपना अपना कार्य करेंगे। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यकरण सिद्धांत परिलक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे छठा पॉइंट बताया है शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा सिद्धांत में मैंने आपको बताई दिया है क्योंकि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा की दो प्रणाली बताई है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा में 6 से 20 वर्ष तक के लिए रहेगी और वो अगर पास करता है तो उसे उच्च शिक्षा मिलेगी 35 वर्ष तक। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था से एक सर्वांगीण, एक उज्ज्वल व्यक्तित्व का निर्माण करें, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नर नारियों को सम्मान अधिकार दिया गया है, नर नारियों को सम्मान अधिकार। तो ये जो विशेषता मैंने आपको बताई ये प्लेटो के आदर्श राज्य की है। यहाँ पर प्लेटो ने स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की है। प्लेटो ने ये भेदभाव नहीं किया कि भाई स्त्रियों को ये अधिकार, ये सुविधा वो नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। और साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो ने खुद कहा है कि स्त्री को सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के लिए उन्हें किसी भी तरह की पाबंदी में न रखकर उसके स्वतंत्र रखा गया है। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य की ये विशेषता प्रकट होती है और यही विशेषता इसके आदर्श राज्य को प्रमुख बताती है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि भाई प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करिए, तो इन्हीं पॉइंट की मैं आलोचना आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन होगा, तो इस अकॉर्डिंग प्लेटो है बस उस राज्य में सभी लोगों को राज्य को संचालन करने के लिए भूमिका नहीं देता, यानी सभी का सभी को इन्वाइट नहीं करता है। प्लेटो कह रहा है कि राज्य को संचालित करना है तो दार्शनिक वर्ग ही चलाएंगे, तो इस तरह से प्लेटो भेदभाव कर रहा है, सभी को मौका नहीं दे रहा है। जैसे लोकतंत्र में सभी वोट देते हैं, कोई भी सुन सकता है, जीत सकता है, वो अधिकार यहाँ पर नहीं है। ये तो चलो आदर्श राज्य में न्याय, प्लेटो ने जो न्याय की व्यवस्था की गई है इस अकॉर्डिंग न्याय स्थापित नहीं होगा, एक नैतिक व्यवस्था जरूर बन सकती है लेकिन न्याय तभी होगा जब कानूनी व्यवस्था स्थापित होगी, क्योंकि कुछ लोग डर से भी कानूनों का पालन करते हैं लेकिन यहाँ पे डर की कोई व्यवस्था नहीं की है। प्लेटो ने न्याय को एज ए नैतिक रूप में समझा है, लेकिन न्याय तभी स्थापित हो जाए जब कानूनी रूप में भी हो। इसके अलावा प्लेटो ने अपने राज्य में तीन ही कैटेगरी के लोग बताए हैं, लेकिन आज का अगर उदाहरण देखें तो एक राज्य में तीन कैटेगरी के वर्ग नहीं होते, और भी कैटेगरी के वर्ग होते हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने इन तीन वर्ग के अंदर जबरदस्ती लोगों को डिवाइड कर उन लोगों की विशेषीकरण और कार्य क्षमता को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है और यहाँ पर उनके कार्य, उनकी विशेषताओं को दबा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि एक व्यक्ति जो उत्पादक है तो उत्पादक वर्ग का कार्य करना, वो सेवा का कार्य नहीं कर सकता, सैनिक नहीं बन सकता। तो इस तरह से व्यक्ति की उसकी स्वतंत्रता आज़ादी को पाबंद कर लिया है और शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर उपयुक्त नहीं होती है। तो इस तरह से प्लेटो का आदर्श राज्य वो आदर्श राज्य न होकर प्राचीन और काल्पनिक राज्य कहलाता और हकीकत में ऐसा राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आज की इस क्लास में मैंने प्लेटो को पूरा कवर कर दिया है। मैंने चार बातें बताई, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में जो अभी जस्ट बताया, प्लेटो के पारिवारिक और संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में, प्लेटो के न्याय के बारे में बता दिया, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो चार पॉइंट बताए हैं, 101% उन चारों में से आपके प्रश्न आएगा। ठीक है, ये लिख के लीजिए, नोट कर लीजिए और जो आज पढ़ा है जब एग्जाम हो तो इसको वापस देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को अब करते हैं समाप्त, आपसे विदा लेने का समय आ गया है और कल आपको दोबारा मिलेंगे आपसे 8:30 बजे। तो आज जो भी आए हैं कल टाइम पे तैयार रहिएगा, और जो विद्यार्थी आज लेट जुड़े हैं अपनी इस मैराथन क्लास से, तो इस क्लास की जो बाकी रह गई चीज़, यानी जो आप पीछे आए तो जो मैंने पहले पढ़ाया है 100% वाला, वो आप वापस देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल की पूरी तैयारी करवाना इस चैनल की गारंटी है। आप हर रोज़ 8:30 बजे आइएगा, आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होगी आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस चंद दिनों में मैंने पूरे साल को कवर कर दिया। तो ये जोश, ये जज्बा और ये कॉन्फिडेंस हाथ में तभी आएगा जब आप कंटिन्यू रोज इस क्लास को लेंगे, और मिस हो रही है तो उसको बाद में पूरा करेंगे।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप अपने इस क्लास को अभी शुरू हो चुकी है लगातार, तो कल आए तो अपने प्यारे मित्रों को भी साथ में लेके आइए और उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास धमाकेदार है और आपके रिजल्ट को बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगी। तो समाप्त करते हैं इस क्लास को, तो जरूर आइएगा कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।